आज की जो हमारी वीडियो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज हम कुछ गाड़ी वाड़ी का काम नहीं कर रहे हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो होने वाली है एक बाइक की डिलीवरी की वीडियो। हम शोरूम जाएंगे, बाइक की डिलीवरी लेंगे, वो उस सब का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे ही हम घर से निकले, मेरा बड़ा अच्छा सा मूड था कि मैं आज मोटो व्लॉग करूँगा और बाइक चलाते हुए हम शोरूम तक जाएंगे तो उसका भी मोटो व्लॉग बनाएंगे और बाइक चलाते हुए बात करेंगे। लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश चालू हो गई जिसकी वजह से मुझे मेरा मोटो व्लॉगिंग सेटअप पूरा निकाल के साइड में रखना पड़ा और हम एक जगह खड़े थे जब ये स्लो मोशन वीडियो मैंने निकाली बारिश की। एंड वी आर वेटिंग के बारिश रुक जाए तो फिर हम आगे जाएं। फिर आधा घंटा रुकने के बाद में बारिश रुकी और उसके बाद हम आगे निकले। एज आई टोल्ड यू कि हम बाइक लेने जा रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि बाइक नई होने वाली है या पुरानी होने वाली है और वो कौन सी बाइक होने वाली है, गेस करो और कमेंट करके बताओ। तो देखते हैं किसका गेस सबसे ज़्यादा क्लोज निकलता है। अभी तक मैंने आप लोगों को ये भी नहीं बताया कि बाइक मैं ले रहा हूँ या मेरा फ्रेंड वकार ले रहा है, क्योंकि हम लोग दोनों साथ में जा रहे हैं। वकार बाइक चला रहा हूँ, मैं पीछे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती थी इसलिए मैंने मोटो व्लॉगिंग का सेटअप लगा के और वीडियो बनाने को सही नहीं समझा और मैं मस्त पीछे बैठ के फ़ोन से वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने इसको फ़ोन के एंगल को कुछ इस तरह से रखने की कोशिश की है कि जो वीडियो बने वो थोड़ी बहुत मोटो व्लॉगिंग टाइप लगे। आई होप आपको मेरा जुगाड़ पसंद आएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही तो इस वीडियो को लाइक कर देना। जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी में फ्यूल बहुत कम था, हमने फ्यूल भराने के लिए गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी और पेट्रोल भराने के बाद वापस से मिलते हैं। सागवाड़ा जा रहे हैं, सागवाड़ा से हम इस गाड़ी को लेंगे। सागवाड़ा में कई सारी गाड़ियों के शोरूम है। तो गाइज़ हम लोग सागवाड़ा पहुंच ही गए और वी आर अबाउट टू रीच द शोरूम। एंड आई होप आपने अभी तक गेस कर लिया होगा कि हम कौन सी बाइक लेने जा रहे हैं, और अगर नहीं किया तो आप शोरूम देख के समझ ही गए होंगे कि हम कौन सी बाइक लेना है। अगर अभी तक आपने गेस कर लिया है गाड़ी का नाम तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना। तो गाइज़ चलो इस सस्पेंस के खेल को ख़त्म करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग कौन सी गाड़ी लेने गए हैं। तो हम जो गाड़ी लेने गए हैं वो है होंडा की SP125 डिस्क वेरियंट, जिसका कि हमें यहाँ पे प्राइस पड़ता है 1,10,000 रुपये। सागवाड़ा का जो हम शोरूम में गए हैं उसमें हम यहाँ रिसेप्शन पे बैठ के वेट कर रहे थे गाड़ी के रेडी होने का, बिकॉज यहाँ आने से पहले बारिश हो गई थी। तो गाड़ी जो थी थोड़े खुले आसमान के नीचे खड़ी थी, जिस वजह से उस पर बारिश के पानी से काफ़ी सारे वाटर मार्क्स बन गए थे। तो जब तक गाड़ी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर बाहर आती है तब तक हम लोग रिसेप्शन पर ही बैठ के बातें कर रहे थे और बाकी का प्रोसेस आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आज की कहानी के हमारे कुछ खास किरदार हैं, जिसमें से एक तो वकार है, दूसरा है वकार के बड़े भाई वसीम भाई और साथ में हमारा फ्यूचर राइडर साहिल। साहिल को गाड़ी बड़ी पसंद है एंड हिज फेवरेट कार इज थार विच आई ओन। और इसी बीच हमने बैठे बैठे डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कर दिया और उसके बाद हमें मिला ये हेलमेट जो कि होंडा की तरफ से आता है, जिस पे स्टील बट का लोगो तो लगा हुआ था बट आई डोंट नो इट इज़ ओरिजिनल और नॉट। बट अब होंडा दे रहा है शोरूम तो है ना, अब होंडा कंपनी दे रही है तो ओरिजिनल ही होगा। सो हियर इज़ द फाइनल लुक ऑफ द हेलमेट। ये जो है इस तरह का कुछ हेलमेट दिखता है, इसको ज़्यादा टाइम लगा के देखेंगे कैसा लगता है। और हेलमेट की अनबॉक्सिंग के बाद अब बारी आती है हमारी गाड़ी के फर्स्ट वॉक अराउंड की। गाड़ी धुलने के बाद कुछ ऐसी दिख रही है, अभी इसको सुखाया नहीं है, ये जस्ट अभी धुल के बाहर आई है। तो चलो मैं आपको फटाफट से इसका एक वॉक अराउंड देता हूँ और दिखाता हूँ इसमें क्या क्या सिस्टम है और क्या क्या है फीचर्स आए हैं। तो फर्स्ट में आप जैसे कि देख सकते हैं एक डिस्क वाला वेरियंट है SP125 का। ये जो कलर है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, स्पोर्ट्स एडिशन, जिसमें कि हमें ये सैफ्रन कलर के स्ट्राइप देखने को मिलते हैं। और ये है इसका 125cc का BS6 E20 कंप्लाइंट एयर कूल्ड इंजन। इस गाड़ी का डिटेल्ड रिव्यू मैं कुछ दिनों में बना के अपने चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करना। और ये एनहेंस्ड स्मार्ट पावर ESP और SP125 की बैजिंग और स्पोर्ट्स एडिशन की बैजिंग, और उसी के साथ जो ये इसमें इंडिकेटर हमें हैलोजन देखने को मिलते हैं, और ये जो टेल लाइट है वो भी हैलोजन है। लेकिन हाँ, इसकी जो हेडलाइट है वो LED हेडलाइट है। और गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है, एक 125cc के हिसाब से इस गाड़ी का लुक काफ़ी अच्छा है। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बाइक रही है हमेशा से ही।
द टाइम टू इंट्रोड्यूस द रियल ओनर ऑफ दिस बाइक वसीम भाई। तो यार एक्चुअली में बाइक जो ले रहे हैं वो वसीम भाई ले रहे हैं और मैं नहीं ले रहा हूँ। दरअसल मैं बैठा बैठा घर पे बोर हो रहा था और अपनी जो गाड़ी पे मैं काम कर रहा हूँ बजाज की प्लैटिना उससे भी काम नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ द रेन एंड अदर स्टफ। और फिर मुझे वकार का फ़ोन आया कि बाइक की डिलीवरी लेने जाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि वैसे भी मैंने 2-3 दिन से अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी, तो आज फाइनली मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक करना। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो बस यहीं तक। अब हम गाड़ी को लेकर घर जाएंगे और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। और इस गाड़ी का डिटेल राइड रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है हमारे चैनल पे, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि जब नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, मैं तो बस इस वीडियो में आपके साथ मजाक किया है। अब तो हर वीडियो में मेरे साथ मजाक करो, वीडियो पूरी देखते हो और फिर लाइक किए बिना चले जाते हो, तो यार लाइक करो यार। आपके लाइक और कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना भाई लोग।